Hey guys, welcome back in another video. This is your friend Abhishek और आप देख रहे हो आपका खुद का चैनल Fit Talk. एक क्वेश्चन है काफी बार मुझे Instagram पे पूछा भी जाता है. क्वेश्चन है कि प्री वर्कआउट मील में क्या लेना चाहिए. तो प्री वर्कआउट मील का क्वेश्चन तो आता ही रहता है. इसके साथ ये भी आता है कि आप प्री वर्कआउट मील में क्या लेते हो या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप क्या लेते हो. कौन सा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अच्छा है, कौन सा प्री वर्कआउट मील अच्छा है और आप कौन सा प्री वर्कआउट मील लेते हो. तो ये क्वेश्चंस काफी बार मैंने देखा गया है कि मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे पूछते हैं. अगर मैं Q&A राउंड भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे तो भी लोग मुझसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं. और अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो किस बात की देर है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. वरना ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो. आपका भी कोई क्वेश्चन है पूछ लो, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ मैं. अगर हम प्री वर्कआउट मील की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्री वर्कआउट मील में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप प्री वर्कआउट मील में देखोगे तो आप बनाना ले सकते हो प्री वर्कआउट मील में, आप पोटैटो ले सकते हो प्री वर्कआउट मील में, आप ओट्स ले सकते हो प्री वर्कआउट मील में, आप ब्राउन राइस ले सकते हो प्री वर्कआउट मील में, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो प्री वर्कआउट मील में. तो ऑप्शंस जो है वो काफ़ी सारे हैं प्री वर्कआउट मील के. अब बात आती है यहाँ पे कि प्री वर्कआउट मील में ये सारी चीज़ें ही क्यों ली जाती हैं. तो प्री वर्कआउट मील में ये सारी चीजें इसलिए ली जाती है गाइस क्योंकि हर एक फूड का जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं एनर्जी के लिए. तो अगर हम प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और उसके बाद हम वर्कआउट करते हैं अपना, सो प्री वर्कआउट मील का मतलब ये है कि वर्कआउट से पहले आप अपनी मील ले रहे हो. तो अगर आपको वर्कआउट करना है उससे पहले आप अपनी मील ले रहे हो तो आपकी जो मील है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने जरूरी है क्योंकि वही आपको एनर्जी देंगे ताकि आप अपना जो वर्कआउट है वो ढंग से कर सको. आपको कांस्टेंट एक एनर्जी मिलती रहे अपने वर्कआउट में. और इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बनाना की, पोटैटो की, स्वीट पोटैटो की, ओट्स की, ब्राउन राइस की, ब्राउन ब्रेड की. सो ये सारे ऑप्शन है जो आप प्री वर्कआउट अपने मील में इंक्लूड कर सकते हो. आज मैं आपको वो रेसिपी बताने वाला जो मैं पिछले 2-3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छी लगी ये रेसिपी. तो जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं वो होगी वेजिटेरियन लोगों के लिए क्योंकि नॉन वेजिटेरियन चीजें मैं वैसे ही बताता रहता हूँ. तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये रेसिपी होने वाली है. इसके अंदर हम सोयाबीन का यूज करेंगे लेकिन जो मेरे भाई नॉन वेजिटेरियन है वो सोयाबीन की जगह इसमें चिकन भी यूज कर सकते हैं. तो आप बोनलेस चिकन लाके सोयाबीन की जगह उसको चिकन से रिप्लेस कर दो तो ये आपका नॉन वेजिटेरियन डिश हो जाएगी. अदरवाइज जो लोग वेजिटेरियन है वो इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं. तो जिस रेसिपी की आज हम बात करने वाले हैं वो है ब्राउन राइस सोयाबीन चंक्स बिरयानी. तो इसका नाम ही थोड़ा लंबा सा मैंने बना दिया बट ये आप वेजिटेरियन बिरयानी बोल सकते हो जिसके अंदर आपको सोयाबीन के चंक्स मिल जाएंगे, या फिर आप इसको राइस भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको पुलाव भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो. बट मैं ये बोलने के लिए नहीं बनाता, मैं ये खाने के लिए बनाता हूँ. तो पहले हम बात करते हैं कि हम ब्राउन राइस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइट राइस क्यों नहीं यूज़ कर रहे. तो देखो जो ब्राउन राइस होता है ना उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि आप कोई भी कार्ब जब इंटेक करते हो तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एलिवेट होता है. वो किस रेट से एलिवेट होता है वो बताते हैं हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स. अगर वो फास्ट स्पाइक हो रहा है तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर वो मीडियम स्पाइक हो रहा है तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर वो स्लो स्पाइक हो रहा है तो स्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. तो 3 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, हाई, मीडियम एंड स्लो. जो ब्राउन राइस है वो हमारे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है. सो जो भी चीजें मीडियम GI में आती हैं वो सारी चीजें आप प्री वर्कआउट ले सकते हो और जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें होती हैं वो आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो. सो ये जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं इसके अंदर हमें लगभग 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा और जो कार्ब्स होंगे इसके अंदर वो होंगे 20-21 ग्राम के आसपास. तो ये जो प्री वर्कआउट मील है काफी अच्छी है, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कार्ब. अगर आप 1 घंटे पहले अपने वर्कआउट से मील खा के जाओगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट एनर्जी मिलेगी जिम में अपने वर्कआउट के टाइम पे. ये रेसिपी मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. तो जो राइस मैं यूज कर रहा हूँ प्री वर्कआउट मील में और जो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बट चॉइस आपकी है. बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखोगे तो ये ब्राउन राइस है जो मैं यूज करता हूँ. ये अच्छा कंपनी है और इसके जो राइस है वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे राइस हैं. मैं पिछले 3 महीने से ये वाले राइस यूज कर रहा हूँ और इसकी जो क्वालिटी है और जो उसका राइस का टेस्ट है मुझे और ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छा लगा. कंपनी का नाम है अच्छा, अच्छा मीन्स गुड. कंपनी बोलती है कि भाई हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. ये जो राइस है इसको हम आज यूज करने वाले हैं. ये मैंने अमेजोन से परचेज करा है. इसका जो लिंक होगा फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां जाके ये वाला बॉक्स बाय कर सकते हो अगर आप करना चाहो. बातें होगी बहुत सारी प्री वर्कआउट मील के बारे में, अब टाइम है मील बनाने का. तो चलिए शुरू करते हैं. टेक्निकल गुरुजी कहां से आए भाई, चलो शुरू करते हैं.